हेलो जी, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो। तो अब हम आ गए हैं बर्ड्स एरिया में और पेट्स के एरिया में। इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं और फिर हम वापस चलेंगे। मोर भी धमाल कर रहे हैं, फड्डा हो गया मोरों का। ये देखिए, ये देखिए, 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 देखिए। टर्की भी मोरों को देख रही हैं, कह रही हैं पागल हो गए, पागल लड़े जा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, पता नहीं काय बात का फड्डा चल रहा है। ये देखें, ये कौचिन नस्ल की मुर्गियां हैं। अंडा भी दिया हुआ है? नहीं नहीं, पत्थर पड़ा है, पत्थर। ये आ रही आ रहे रॉडर आइलैंड रेड, बड़ी फेमस हुई हुई है आजकल। ये ऑस्ट्रोलॉब्स हैं, ये देखें, ये होती हैं प्योर ऑस्ट्रोलॉब। ये माशाल्लाह असील की कलेक्शन है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। आपस की बात है, पिछले साल भी और इस साल भी इनके पास जाते हुए ना थोड़ी सी फटती है, थोड़ी सी। मजेदार चीज, एलिगेटर्स। हाँ, ये क्रोकोडाइल नहीं है, ये एलिगेटर्स। यार टाइट सेक्सी चीज है यार, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का तोता है, जोसा भी है ये। काकाटू, काकाटू भाई। अबे कोई डव है नबील, और ये कोई ताज वाली डव है, वो भी कैसेट जो भी है, टाइट है। अब आपको पूरी लाइन दिखाता हूँ मुर्गियों की और फिर चलते हैं पेट्स वाले एरिया में। यूनिक चीज देखिए, ऑस्ट्रोलॉब नेकेड नेक, ये हैं ऑस्ट्रोलॉब्स वाकई, और गंजी गर्दन की हैं ये। आओ एक और चीज दिखाऊं, ऑस्ट्रिच के अंडे।
मॉड्यूल बना हुआ है, तो ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, पूरी हीटर वीटर लगा के कि ब्रूडर किस तरह का होना चाहिए, इसमें छिक से ही कितने सुकून में। इधर ये इनक्यूबेटर का वो है और इसमें नए नए अभी चिक्स हैच भी हुए हैं, ये नीचे हैचिंग चल रही है, ये इनक्यूबेटर लगा हुआ है यहाँ पे। चलते हैं कमर्शियल ब्रूडर की तरफ, मैं आपको कमर्शियल ब्रूडर दिखाता हूँ कैसे होते हैं। जब ये जो फिश वाला एरिया है ना, इसमें इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस दी हुई हैं अलग अलग किस्म की, सारी तरीके के फिशिंग, फिश फार्मिंग किस तरीके से हो सकती है, एक्वापोनिक, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, ये वाली सारी, और काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, ब्रूडिंग स्टॉक को आपको कैसे रखना है, छोटी मछलियों को कैसे रखना है, सारी डिफाइन किया करवाया हुआ है। अच्छा, इस स्टॉल पे मैं लास्ट टाइम भी आया था फिशरीज के, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ना डिस्क्राइब किया हुआ होता है। देखिए केज कल्चर ये है कि एक बड़े तालाब में आपने इस तरह के केजेस बना दिए बड़े पैमाने पे, तो छोटा सा इन्होंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है, और अलग अलग नस्ल की मछलियाँ इन केजेस में आप पाल सकते हैं एट अ टाइम, अलग अलग एजेस की भी पाल सकते हैं। उसके बाद ये एक्वा कल्चरल सिस्टम है पानी का, इसकी पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, और ये पानी एक जगह से निकल रहा होता है, सेम पानी होता है जो कि एक सर्कल में घूम रहा होता है और फिल्टर होता रहता है कंटिन्यूसली, उसका वेस्ट एक जगह आ जाता है, उसके मिनरल्स एक जगह आ जाते हैं और पानी घूम रहा होता है। उसके बाद ये एक्विजिशन सिस्टम है, ये इस तरह चलता है, अब ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, और ये नॉर्मल स्टॉकिंग पॉइंट होता है जहाँ पर आप अपनी मछलियाँ स्टॉक कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये लगे हुए सी शेल और इनके बाय प्रोडक्ट्स, स्टेज पे इस वक्त आए हैं असगर खोसो और सब वहाँ चले गए। खैर हमें निकलना है भाई, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो ये था अभी यहाँ का बर्ड्स वाला और पेट्स वाला जगह। भाई मुझे तो इजाज़त, मैं चलता हूँ। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।